नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको पता हुआ कि मेरी कार का जो बोनट है, जो रूफ है, उसमें डेंट आ गया था और जो लेफ़्ट साइड का जो डोर है उसमें भी डेंट था, तो इसको मैंने रिपेयर कराया था। तो अभी लेटेस्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो है मैंने कॉस्ट नहीं बताई थी, हालांकि जो है कमेंट के माध्यम से मैंने सभी को कॉस्ट बता दी थी और एक कमेंट पिन किया था जिसमें मैंने इसकी कॉस्ट भी बताई थी। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि कुछ मित्र पूछ रहे थे कि जो है इसको रिपेयर करने में कितना चार्ज लगा, जैसे बोनट है या रूफ है इसको रिपेयर करने में कितना पैसा लगा है अगर आपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे इसे रिपेयर कराया है। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ एक एक चीज़ के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम जो है ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे इस तरह का काम कराते हैं, बॉडी शॉप में ले आके अपनी गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग वर्क कराते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, मान लीजिए ये बोनट में थोड़ा सा यहाँ पर जो है डेंट आ गया, तो इसको निकालने के बाद केवल इतना हिस्सा जो है पेंट नहीं किया जाएगा, पूरा बोनट पेंट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रूफ में डेंट था तो पूरी रूफ को डेंट किया गया, इसी तरह से लेफ्ट साइड का जो डोर था हमारा इसको भी पूरी तरह से जो है पेंट किया गया है। तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से जो है पेंट की जाती है, ना कि टचिंग की जाती है, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि किस चीज़ में कितना खर्चा आया। आपको पता है कि मेरी गाड़ी का जो बोनट है, लेफ़्ट साइड का जो डोर है और जो रूफ है उस पर अच्छा खासा डेंट आ गया था, तो जो डेंटिंग का चार्ज है वो काफ़ी सही लगा मुझे, केवल 300 रुपये पर पैनल के लिए गए, यानी 300 रुपये बोनट पे जो डेंट थे जितने भी सारे निकालने के लिए गए, जो डोर पे जो डेंट थे उसको निकालने के लिए गए और रूफ पर जो डेंट थे उनको निकालने के लिए केवल 300 रुपये चार्ज किए गए, ठीक है। लेकिन जो पेंटिंग और जो पुट्टी वर्क वगैरह किया जाता है, फिनिशिंग का जो काम किया जाता है, उसका जो चार्ज है वो काफ़ी हाई था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा डोर था जिसमें यहाँ पर जो है डेंट था, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो है डेंट आ गया था अच्छा खासा, मतलब रगड़ टाइप की आई थी और ये जो साइज पे दो लाइन एक तरह से डेंट हो गया था। तो इसको रिपेयर करने का जो चार्ज लिया उन्होंने वो लिया 3060 रुपये, यानी कि जो पेंटिंग वर्क है, डेंटिंग तो 300 रुपये लग गए लेकिन पेंटिंग का जो काम किया उसका जो चार्ज किया 3016 रुपये, ठीक है। और ये जो चार्ज है बिना GST बिना टैक्स के है, वो टैक्स के साथ में आपको टोटल जो है चार्ज बताने वाला हूँ। और ये जो डोर है इसको पूरा खोला गया पहले, अंदर से नट बोल्ट खोलने के बाद, उसके बाद जो पैनल होते हैं अंदर के, जो आप जानते हो गत्ते होते हैं जिसपे हेडरेस्ट वगैरह होते हैं, उसको भी खोला गया, तो उसको खोलने का भी अलग से चार्ज लिया गया जो कि 801 रुपये उन्होंने चार्ज किया। तो डोर को खोल के पूरा जो है डेंट निकालने के बाद रीपेंट किया गया, डेंट निकालने का लिया 300 रुपये, 801 रुपये लिया डोर को खोलने और लगाने का, पैनल वगैरह खोलने का, ठीक है। और जो पेंटिंग है उसका चार्ज लिया 3016 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इन्होंने चार्ज ले लिया। डेंटिंग का चार्ज काफ़ी कम था लेकिन पेंटिंग का और उसको खोल के लगाने का पैनल वगैरह उसका चार्ज 801 रुपये लिया। और ये जो पट्टी है इसको भी निकाल के, जो साइड की जो आप ये देख रहे हैं वीडिंग, तो इसको भी निकाल के दोबारा लगाया गया था, ठीक है। हैंडल वगैरह भी खोला गया था, ORVM वगैरह भी खोला गया था, तो इसमें जो भी चार्ज लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हुड की, जो हमारा बोनट है, तो बोनट का जो डेंट था उसको निकालने में जैसा कि मैंने बताया 300 रुपये लगे, लेकिन इसको पेंट करने में जो चार्ज लगा है वो लगा है 3432 रुपये, जिसमें पुट्टी वर्क भी है और फिनिशिंग का भी वर्क था जिसमें रबिंग वगैरह भी की गई थी। अब बात कर लेते हैं रूफ की, तो रूफ जो है सबसे बड़ा पैनल होता है गाड़ी का, आप देखेंगे तो रूफ का जो पूरा पैनल होता है इस पर पूरे पेंट किया गया उनके द्वारा, और यहाँ पर जो डेंट था उसको निकाला गया। तो जो पेंटिंग और जो डेंटिंग का चार्ज था, जैसा कि मैंने बताया 300 रुपये लिया डेंटिंग का चार्ज, और पेंटिंग का जो चार्ज लिया गया था वो 4564 रुपये चार्ज किया गया। तो 4564 रुपये जो है इसको पूरे रूप को जो है पेंट करने में इन्होंने चार्ज किया, और ये जो चार्ज मैं बता रहा हूँ बिना टैक्स के, ठीक है। तो इन तीनों पैनल को पेंट करने में जो कॉस्ट आई थी वो मैंने आपको बताई। जो डोर है इसका आया 3016 रुपये, 3016 रुपीज़। जो बोनट है इसका आया 3432 रुपीज़। और जो रूफ है इसका आया 4564 रुपीज़, ठीक है। और जो डेंटिंग का जो काम हुआ है तीनों पैनल का, वो उसका आया 900 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कि जो टैक्स लगा के, अभी तो जो है मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, पहले मैं आपको बता दूं कि इसका करीब 13,000 रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है टोटल। अब इस पर 18% टैक्स और लगा दिया तो ये पहुंच गया 15,000 से भी ऊपर। तो जो टोटल खर्चा आया है वो 15,000 मान लीजिए आप,
15,500 रुपीज़ मान लीजिए मोटे तौर पे। और टैक्स जो लगता है 18% लगता है, आपको पता है जीएसटी लगेगा, तो जो है 18% आपको इसमें टैक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तब आपको जो है इतना पैसा देना पड़ सकता है पर्टिकुलर किसी एक पार्ट के लिए। जो है अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना पैसा जो है ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जो डेंटिंग पेंटिंग वर्क होता है उस पे आपको खर्च करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, बट आपका इंश्योरेंस है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, अगर आप उसमें आप कवर कराते हैं क्लेम करते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपये जो है फाइल चार्ज आपको देना होता है, बाकी सारा काम हो जाता है। और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो अभी जो है ऑथोराइज जो सर्विस सेंटर जितने वो सभी बंद है, और भी जो आप बाहर देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है बंद चल रहे हैं सर्विस सेंटर, या फिर बॉडी वर्क वगैरह जो है ना गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का वो अभी हो नहीं पा रहा। लेकिन हमारे यहाँ पर ओपन था और मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने काफ़ी जल्दी काम करके दिया। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद मैं आपको कहूँगा कि जो काम किया है ना वो एकदम एक नंबर किया है। हालांकि गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं थी, केवल डेंट ही आए हुए थे, स्क्रेचेस आए हुए थे, लेकिन जो काम किया है सर्विस सेंटर वालों ने, अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे डस्ट है, बट काफ़ी बढ़िया काम किया, परफेक्टली काम किया है। थोड़ी बहुत खामियाँ तो रह ही जाती हैं फिर भी, लेकिन देखा जाए तो ये जो अंतर है इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब पता चल गया होगा कि अगर आप बोनट को रिपेयर कराते हैं या डोर को, फ्रंट डोर को रिपेयर कराते हैं या रूफ को रिपेयर कराते हैं तो कितना चार्ज आएगा, और मोटे तौर पे आपको ये भी अनुमान लग गया होगा अदर पार्ट का कितना खर्चा आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं यही काम जो है आफ्टर मार्केट करा रहा था, बाहर जो है मैंने एक जगह पता किया था तो मुझे कहा गया था कि बोनट का आपको 2 से 2,500 रुपये लग जाएगा, डोर का आपका जो है करीब 2,000 रुपये लग जाएगा, और जो रूफ़ है इसका 3 से 3,500 रुपये लग जाएगा। और जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तो मुझे बताया गया था 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन ये जो खर्चा है टैक्स वैक्स मिला के 15,000 से ऊपर पहुंच गया। तो उम्मीद है अब आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि कितना खर्चा आ सकता है आपकी गाड़ी में अगर आप डेंटिंग पेंटिंग वर्क कराते हैं। डिपेंड करता है कि जो डेंटिंग है डेंटिंग का जो वर्क है वो कितना है गाड़ी में। बाकी मेरी गाड़ी में डेंटिंग वर्क जो बोनट है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, बाकी रूफ़ को जो है उन्होंने निकाल दिया, और जो डेंटिंग वर्क है मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया बोनट का अंदर से भी जो है काफ़ी बढ़िया किया है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी बढ़िया काम किया है लोगों ने, और ऐसा लगता नहीं है गाड़ी का जो बोनट है उसे रिपेयर किया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं चाह रहा था कि बोनट को रिपेयर करा लूँ, बोनट की जो कॉस्ट होती है 3100 रुपये का जो है नया बोनट आता है, 3,100 के करीब जो है बोनट आता है नया, लेकिन वो जो बोनट आता है उस पर पेंट वगैरह नहीं किया जाता, तो पेंट वगैरह करते तो वो बोनट भी जो है काफ़ी महंगा पड़ जाता, 8,000 से 8,500 रुपये पहुंच जाता, इसलिए मैंने जो है नया बोनट नहीं लगवाया और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये जानकारी थी दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।